ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर विधानसभेच्या माजी आमदार स्वर्गीय ज्योती पप्पू कलानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त खेमानी चौकाचे नामकरण होऊन ज्योती पप्पू कलानी यांचं नाव देण्यात आले। यापुढे हा चौक ज्योती कलानी यांच्या नावे ओळखला जाणार आहे। या नामफलकाचे उद्घाटन माजी आमदार पप्पू कलानी, माजी उपमहापौर पंचम कलानी आणि युवा नेते ओमी कलानी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी ज्योती कलानी यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यात आलाय। आज 17 फरवरी उल्हासनगर के लोगों के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन इस शहर की आयरन लेडी और जिसने इस शहर में प्रथम महिला आमदार बनकर शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में रोशन किया, ऐसी कर्मठ शहर हित में जिनका जीवन गया, ऐसी हम सबकी, कोई उन्हें बाबी जी कहता है, कोई उनको माता जी कहता है, कोई उन्हें मैडम कहता है, ऐसी हमारी स्वर्गीय ज्योति कालानी जी का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ये जो पहले खेमानी चौक के नाम से ये चौक कहलाया जाता था उसका नामकरण स्वर्गीय ज्योति कालानी चौक यहाँ पर रखा गया था और आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कोण शिला बनाकर एक प्रतिमा का रूप देकर यहाँ पर उद्घाटन किया गया। शहर की हमारी जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी जी, सीमा कालानी जी, ओमी कालानी जी, पप्पू कालानी जी और समस्त भाभी जी को चाहने वाले, भाभी जी से प्रेम करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, शहर के व्यापारीगण यहाँ पर आए और ये प्रतिमा, ये कोणशिला देखकर उन्होंने भाभी जी की याद को सबने ताज़ा किया, भाभी जी के किए कार्यों को याद किया और ये जो सुंदर, मनमोहक और प्रेरणादायी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है उसका कारण एक ही है कि यहाँ पर कालानी मेल में आने जाने वाले शहर के व्यापारी, कालानी परिवार के चाहने वाले कार्यकर्ता जब भी यहाँ से गुजरे उनको भाभी जी का आशीर्वाद, उनकी मुस्कुराती हुई ये सूरत उनको प्रेरणा देती रहे जैसे वो शहर हित में, समाज हित में, लोक हित में और उल्हासनगर के भले के लिए कार्य जैसे भाभी जी करती थी वैसा हम सब भी करते रहें। धन्यवाद। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।